हेलो बच्चों, आज हमारा लाइट का सेकंड लेक्चर है। ओके, कल हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था, तो कल जो हम लोगों ने लेक्चर पढ़ा था उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, एक बार वो रिवीजन कर लेते हैं। लाइट क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। उसके बाद हम लोगों ने कल रिफ्लेक्शन पढ़ा था टॉपिक, और रिफ्लेक्शन के साथ साथ हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर पढ़ा था, राइट। अब और इसके साथ में उन्होंने पढ़ा था कि उनकी डेफिनेशंस क्या क्या होती हैं स्फेरिकल मिरर में, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट के ये क्या होता है और इसके लॉस ये पढ़े थे। देन मिरर में मिरर क्या होता है ये पढ़ा था, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। देन पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, और उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल एक लाइन पे होते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर आर दैट इज इक्वल टू 2f, राइट। प्रिंसिपल फोकस पढ़ा था और प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ा था और प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव एंड कॉनवेक्स मिरर भी पढ़ा था, ठीक है। और फोकल लेंथ क्या होती है f, और ये दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f इज इक्वल टू r, ठीक है। इतना हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। अब अपर्चर भी पढ़ा था और साथ में, ठीक है। अब आज का है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे बनती है वो देखना है, ठीक है। तो ये इसमें देखो टोटल 6 टाइप्स हैं, ठीक है, मिरर के। टोटल कहाँ कहाँ पे, किस किस डिस्टेंस पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखें तो फिर कहाँ बनेगा इमेज, ठीक है, वो देखना है हम लोगों को। अभी देखो एक मेन चीज है ना, ये जो सबसे पहले हम ये वाला देखेंगे, थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या है ना, सी सी क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, ठीक है ना। तो ये इसको बेसिकली अगर याद रख लें कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, ठीक है ना। और उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जाएगा इमेज उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। जैसे अब अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेफ्ट साइड गया, देखो ये सेकंड वाले में ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड गया तो इमेज राइट साइड आएगी, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट की लिमिट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इनफिनाइट तक है, ठीक, और इमेज की जो लिमिट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस तक है। समझ में आया? मतलब अगर इनफाइनाइट पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा, ठीक है ना, इनफाइनाइट पे कहीं रखा होगा तो कहाँ बनेगा, फोकस पे आके, राइट। इनफाइनाइट पे कहीं होगा तो कहाँ बनेगा, आके फोकस पे, ठीक है। और कर्वेचर के बाहर कहीं नॉन डिस्टेंस पे होगा तो कहाँ बनेगा, कर्वेचर और फोकस के बीच में। देखो कर्वेचर के बाहर कहीं नॉन डिस्टेंस पे होगा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? नहीं, ठीक। और कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो कर्वेचर पे ही इमेज बनेगी, ठीक है ना। इतनी चीज समझ में आई? अब देखो, अब अगर ऑब्जेक्ट इनवर्ड मूव होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट इनवर्ड मूव होगा तो इमेज आउटवर्ड जाएगी, ठीक है। कहाँ तक? अगर ऑब्जेक्ट इनवर्ड मूव होके होके अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहा, ठीक, तो इमेज बाहर कहीं बनेगी, ये बन रही है बाहर कहीं, कर्वेचर के बाहर कहीं नोन प्लेस पे, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाएगा तो इमेज इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाएगा तो इमेज इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगी, ठीक है, समझ में आया। तो देखो पहले हम लोग ये देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और जो हम लोगों को देखनी है वो क्या है कि लेंथ कैसे पता करते हैं कि किसकी कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है, ठीक है। कब इमेज की, ऑब्जेक्ट की लेंथ पॉजिटिव है, कब इमेज की लेंथ पॉजिटिव है, कब फोकस की लेंथ पॉजिटिव है, ये सारी चीजें हैं जो है ये हम कैसे देखेंगे। देखो हम देखते किससे हैं, पोल से, ठीक है ना। पोल से डिस्टेंस देखते हैं हम ऑब्जेक्ट तक की। जैसे अब अगर ये लेंस है, ठीक है,
और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट से पोल किस तरफ है? ऑब्जेक्ट से पोल राइट साइड है ना, और हमें ये पता है, ये तुम लोगों ने 9th क्लास में जो कोऑर्डिनेट पढ़ा था उसमें ये पढ़ा होगा कि यहाँ पे राइट साइड में पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है, ठीक है? तो पोल की कंडीशन देखो, पोल कहाँ है? अगर पोल राइट साइड में है तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, पोल लेफ्ट साइड में है तो डिस्टेंस निगेटिव होगी। इमेज अगर राइट साइड बन रही है, मतलब इस तरफ बन रही है, अगर इमेज इस तरफ बन रही है तो इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, और अगर इमेज इस तरफ बन रही है तो इमेज की डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे। ये अप और डाउन से नहीं देख रहे, ठीक है ना, किस तरफ बन रही है वो देख रहे हैं, ठीक, समझ में आया? नहीं, ये डिस्टेंस देख रहे हैं, ओके? अच्छा, फोकस, फोकस अगर फोकस से पोल राइट साइड में है तो फोकस लेंथ पॉजिटिव, फोकस से जैसे अब अगर फोकस इधर होता, ठीक है ना, फोकस लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव, समझ में आया? फोकस से अगर पोल लेफ्ट साइड में है तो फोकस की लेंथ नेगेटिव, समझ में आया? ठीक, तो अब ये जो मिरर है अपना कॉनकेव, इसमें फोकस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, और इसमें ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट से पोल हमेशा राइट साइड पे होगा, तो ऑब्जेक्ट भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। सिर्फ जो इमेज है, इमेज के लिए भी केवल एक कंडीशन होती है जहां वो नेगेटिव होता है, अदरवाइज वो पॉजिटिव होता है। नेगेटिव कब होता है? अभी देखो हमने क्या पढ़ा कि जब ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी सी पे बनेगी, ठीक है, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट सी से बाहर की साइड जा रहा है तो इमेज सी और एफ के बीच बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट पे पहुंचता है तो इमेज फोकस पे बनेगी, ठीक है। अच्छा, अब सी से अगर ऑब्जेक्ट अंदर की साइड आ रहा है, देखो सी से अगर ऑब्जेक्ट अंदर की साइड आ रहा है तो इमेज कहाँ बनेगी? बाहर की साइड बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया तो इमेज कहाँ बनेगी? इनफाइनाइट पे जाके बनेगी कहीं। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस से भी अंदर आ गया तब क्या होगा? तब इमेज जो है वो नेगेटिव, मतलब वो वर्चुअल इमेज बनेगी उसकी, ठीक है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं वर्चुअल इमेज कैसे बनेगी, ठीक। तो ये समझ में आ रहा है, ठीक है, फोकस पे ऑब्जेक्ट है, एक ही स्ट्रेट लाइन जो फोकस से क्रॉस होती जाती है और फिर पैरेलल, ठीक है ना। उसके बाद ये हमने पढ़ा था फोकस से जितनी भी लाइन्स होंगी वो सारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, और ये लाइन स्ट्रेट गई और बैक हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे और हमें मिनिमम दो लाइन्स बनानी पड़ेंगी इमेज दिखाने के लिए, ठीक। तो एट इंफिनिटी u इज इंफिनिटी है, स्लाइटली बियॉन्ड c, c से थोड़ा सा अगर बाहर है, यानी u की लेंथ जो है वो 2f से ज्यादा है, u यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, तब क्या होगा? अगर u की लेंथ 2f से ज्यादा है तो जो इमेज बनेगी, इमेज हमारी कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी c और f के बीच में, ठीक है। और अगर ये ऑब्जेक्ट c पे है तो इमेज भी c पे बनेगी, ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज। और अगर ऑब्जेक्ट सी से अंदर आ रहा है तो इमेज कहाँ चली जाएगी? इमेज बाहर की साइड चली जाएगी, ठीक, समझ में आ रहा है। अब पहले वाले केस में फोकस हमेशा पॉजिटिव रहता है कॉनकेव के लिए, यू की लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है कॉनकेव के लिए, वी की लेंथ केवल एक केस में, वी सिर्फ एक केस में निगेटिव होती है। कब होती है निगेटिव? जब फोकस, जब यू की डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फोकस से भी अंदर आ जाएगा, यानी एफ से भी कम हो जाएगी, जब यू जो है वो लेस देन हो जाएगा फोकस लेंथ के, तब वी नेगेटिव आएगा, ठीक है। वी क्या है देखो, मैं आपको ये भी बता देती हूँ और भी कैसे कैसे डिनोट किया जाता है। कहीं कहीं पे ऑब्जेक्ट की लेंथ को ओ लिखते हैं या फिर यू लिखते हैं, इमेज की लेंथ को आई लिखते हैं या फिर वी लिखते हैं, और फोकस की लेंथ को एफ लिखते हैं, ठीक है, समझ में आया है नहीं। अब कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए ओ हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली पोल के सामने ही रहेगा ना,
अब ऑब्जेक्ट यहां से अगर देखेंगे तो पोल किस तरफ होगा, राइट डायरेक्शन में, पोल राइट डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, पोल लेफ्ट डायरेक्शन में तो नेगेटिव, तो यहाँ तो हमेशा पोल राइट ही डायरेक्शन में होगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। आई आई जो है वो फाइव केसेस में पॉजिटिव है, फाइव केसेस में पॉजिटिव है, सिर्फ वन केस में नेगेटिव है, ठीक है ना। और एफ एफ भी हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन से केस में नेगेटिव है मैंने आपको बताया, किस केस में, जब यू की लेंथ यानी ऑब्जेक्ट फोकस से भी अंदर आ जाए, यानी जब यू की लेंथ जो है वो लेस देन एफ हो जाएगा, तब हमारा ये जो आई वाला केस है ये आएगा, तब ये आई जो है यानी इमेज की डिस्टेंस वो नेगेटिव आ जाएगी, ठीक। अच्छा अब इसके जो बाकी के दोनों केस है वो देखते हैं। देखिए ये देखो, जब फोकस पे आएगा ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे जाके कहीं बनेगा, ठीक है। जब यहाँ पे फोकस पे आ जाएगा तो इमेज, ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी और कहीं इनफाइनाइट पे जाके बनेगा। इमेज इज वर्चुअल अपराइट एंड वेरी लार्ज, ठीक है, समझ में आया। रिफ्लेक्टेड रेस आर पैरेलल, ठीक। अब बिटवीन एफ एंड पी, देखो अब F से अंदर ऑब्जेक्ट आ गया तब क्या होगा, तब जैसे ये पैरेलल आएगी ना, ये रे पैरेलल आई, एक रे को हम पैरेलल बनाते हैं इस पॉइंट के और दूसरी रे को ऐसे रिफ्लेक्ट होते हुए ये सीधे निकल जा रही है, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। अब ये वाली जो रे है जब यहाँ आएगी ऐसे तो ये वापस जाएगी रिफ्लेक्ट होके, रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी ना, तो ये इस वाली से जो सी से जा रही है इसे दूर होती हुई जाएगी, तो जब हम इनको एक्सटेंड करेंगे ना तो कहीं बैक साइड पे वर्चुअल इमेज दिखाई देगी आपको, समझ में आया। यहाँ पे तो पैरेलल है, कहाँ इमेज बनेगी पता नहीं, इस तरफ बनेगी या उस तरफ बनेगी कुछ नहीं पता, ठीक है। तो मान के चलते हैं वर्चुअल इमेज ही बनेगी, इसमें ये दोनों जो रेज है ये एक दूसरे से दूर हो रही है, ठीक है ना। जब दूर हो रही ये वाली तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो जाएगी वो वापस उसी डायरेक्शन में आ जाएगी, ये गई और ये वापस उसी डायरेक्शन में आई। अब जो पैरेलल आ रही थी वो फोकस से होते हुए निकलेगी, तो ये दोनों जो है दूर होती जाएंगी, जब इनको पीछे मिलाएंगे कहीं तो एक वर्चुअल इमेज मिलेगी बिहाइंड द मिरर और बी नेगेटिव हो जाएगा, समझ में आया। सारे केस समझ में आए, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखिएगा मेन किस्सा है सी का, ठीक है। अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये देखते हैं हम इमेज, ठीक है, जब ये सी पे है तो ये भी सी पे है, ठीक। अब जब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा सी के बाहर, ठीक है ना, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे सी ओ मतलब आउटसाइड ऑफ सी, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा कहीं इनफाइनाइट पे तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी हमारे यहाँ फोकस पे, समझ में आ रहा है। अब देखो जब ऑब्जेक्ट होगा सी इन मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अंदर, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी सी आउट पे बाहर की साइड, ठीक है ना। अब जब ऑब्जेक्ट होगा फोकस पे तो इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। जब ऑब्जेक्ट होगा एफ इन मतलब फोकस से भी अंदर आ गया तो इमेज कैसी होगी, नेगेटिव और बैक साइड ऑफ मिरर, समझ में आया, ठीक है, इतना याद रखेंगे, ठीक। और ये फिगर की ना एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा देख के कि कैसे बनाया जाता है, एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा बना बना के, ओके। अब देखिएगा, अब
ये है हमारा, अभी हम लोगों ने कॉनकेव का देखा था ना, अब कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में केवल तीन ही केस है, इसमें बहुत सारे केस है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें रिफ्लेक्ट हो जाती है रेस, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट होके स्कैटर्ड हो जाएंगी। ठीक, अब स्कैटर्ड होके उसमें देखो, उसमें स्कैटर्ड नहीं हो रही थी, इसमें स्कैटर्ड हो रही है ना। स्कैटर्ड होएंगी तो अगर इनफाइनाइट से आएगा तो फोकस पे बनेगा, पता है ना, इनफाइनाइट से आएगा तो फोकस पे बनेगा, ठीक है। और एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, किसी नॉन डिस्टेंस से, मतलब इनफाइनाइट पे नहीं होगा, नॉन डिस्टेंस पे होगा, तो फोकस के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। उसमें भी देखा था ना, फोकस के अंदर था तो बैक साइड बन रहा था। इसमें भी देखो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं है, किसी नॉन डिस्टेंस पे है तो फोकस से अंदर कहीं बनेगी, ठीक है। एट क्लोज डिस्टेंस ऑफ मिरर, मिरर से क्लोज डिस्टेंस पे है, जितना जितना पास आ रही है, जितना जितना ये फोकस के पास आ रहा है उतना उतना इमेज पास आ रही है, बिटवीन एफ एंड पी, वी नेगेटिव, बिहाइंड द मिरर वी नेगेटिव। अच्छा, इसमें इसका फोकस कैसा होगा? अब देखो, इसके फोकस के लिए, फोकस लेंथ अगर हम देखें तो इसका फोकस लेंथ में एक सेकेंड, ओके, अभी हम लोग ये वाला पढ़ रहे थे, ठीक है, नहीं ये नहीं, इससे और नेक्स्ट वाला पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे, ठीक। अब इसमें अगर हम फोकस लेंथ देखें ना, तो फोकस किस तरफ आएगा? फोकस आएगा इसमें लेफ्ट साइड पे, देखिए दिखाती हूँ मैं, देखो अभी ये फिगर हमने बनाया, ठीक है। अब इसमें फोकस इधर है, पोल किधर आ रहा है? लेफ्ट साइड आ रहा है ना। हम पोल की पोजीशन देखते हैं, हमें जिस भी पॉइंट को निकालना होता है ना, उस पॉइंट से हम पोल की पोजीशन देखते हैं, ठीक। अब हमें फोकस लेंथ निकालनी है, तो फोकस से जरा पोल की पोजीशन देखो, तो फोकस इधर है, और पोल किस तरफ जा रहा है? पोल आ रहा है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में क्या होता है? निगेटिव होता है, तो फोकस कैसा हो जाएगा इसका? निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यू, यू तो पॉजिटिव ही रहेगा, यू पॉजिटिव रहेगा ना, क्योंकि यू तो हमेशा इसी तरफ होगा। और इधर से जब हम पोल को देखेंगे तो पोल राइट साइड में है, पोल राइट साइड में है तो मतलब पॉजिटिव, पोल लेफ्ट साइड में है मतलब नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट से पोल हमेशा राइट साइड में रहेगा, इसलिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी। फोकस से हमेशा पोल लेफ्ट साइड में रहेगा, किसमें? ये कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर में कोई हमेशा निगेटिव रहेगा, ठीक है ना। अभी जितना पास आ रहा है इमेज उतना पास बन रहा है और छोटा बन रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अभी देखो, जब इनफाइनाइट आता है, इमेज इज वर्चुअल, इसमें इमेज हमेशा वर्चुअल ही बनता है, ठीक है, रियल नहीं बनता इसमें कभी। इमेज इज वर्चुअल अपराइट डिमिनिश, वर्चुअल अपराइट डिमिनिश, वर्चुअल अपराइट डिमिनिश। द इमेज अपीयर्स लार्जर इन साइज व्हेन द ऑब्जेक्ट नियरर टू द मिरर, ठीक है ना। जैसे जैसे पास में आएगा ऑब्जेक्ट, इमेज बड़ी होती चली जाएगी, समझ में आया ये चीज, ठीक है। ये थे इमेजेस बाय मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। सिक्स केसेस थे कॉनकेव में, और टू केसेस, ये थ्री आपने लिया है बट टू केसेस, ये भी दो ही केस बनाओगे आप तो भी चलेगा, एक ये और एक ये, टू केसेस होते हैं कॉन्वेक्स में, ठीक है ना। फोकस कॉनकेव में हमेशा पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स में हमेशा निगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट की लेंथ दोनों में, दोनों ही केस में कैसी होती है? दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट की लेंथ पॉजिटिव होती है, ठीक है। केवल वी, वी यानी इमेज की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस कॉनकेव में एक जगह निगेटिव होती है, 5 times पॉजिटिव, 1 time निगेटिव। और कॉन्वेक्स में देखो, यहाँ पे जब इनफाइनाइट से आता है तो वी निगेटिव होता है, बट किसी नॉन डिस्टेंस से आएगा तो ये पॉजिटिव, ये एक मिनट, वी तो भी निगेटिव होगा क्योंकि वी हमेशा बैक साइड पे ही बन रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए यू हमेशा पॉजिटिव है और वी हमेशा निगेटिव है, ठीक है। कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स मिरर में एफ भी निगेटिव रहेगा और वी भी निगेटिव रहेगा क्योंकि हमेशा वर्चुअल ही बनेगा, ठीक है, समझ में आया ये चीज, ओके। और कॉनकेव में केवल एक ही टाइम वर्चुअल बनेगा, जब एक टाइम वर्चुअल बनेगा तो बी सिर्फ एक टाइम निगेटिव होगा,
ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को एटलीस्ट सुन के ही थोड़ा बहुत कुछ याद हो जाए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा अभी इमेज वाला, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब इसके बाद ये समरी दिया हुआ है, देखिए पोजीशंस, एट इंफिनिटी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट इनफिनिट पे है, ये है कॉनकेव का और नीचे वाला है कॉन्वेक्स का, ठीक है ना। ऊपर वाला कॉनकेव का, नीचे वाला कॉन्वेक्स का, ठीक है, समझ में आया, ठीक। अब देखिए इसमें जब इनफाइनाइट पे है तो फोकस पे बनेगा, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो फोकस और कर्वेचर के बीच में। अब सी पे आ गया तो इमेज भी सी पे आ गई, अब सी से अंदर जाएगा तो इमेज बाहर जाएगी, बियॉन्ड सी। एफ पे आ गया तो इमेज इनफाइनाइट पे पहुंच गई, ठीक है, और एफ से भी अंदर आया पोल की साइड में तो बिहाइंड द मिरर बनेगी और इन ब्रांच बनेगी। तो ये ऊपर के जो पांचों केसेस हैं, जब तक ये एफ के बाहर है तब तक इमेज जो है वो रियल बन रही है, जैसे ही फोकस के अंदर गया वैसे ही इमेज वर्चुअल हो गई, ठीक है। इमेज वर्चुअल हो गई तो आई नेगेटिव हो गया, सॉरी इमेज वर्चुअल हो गई तो वी, यहाँ वी या आई इमेज की लेंथ या जिसको हम वी भी लिखते हैं, ये नेगेटिव हो गया। और बाकी सारे केसेस में यू हमेशा पॉजिटिव, यू पॉजिटिव, सब में यू पॉजिटिव है, ठीक है, और वी भी पॉजिटिव, इन सब में यू वी और एफ तीनों पॉजिटिव रहेंगे, यू वी और एफ, ये पांच केस में ये तीनों पॉजिटिव रहेंगे, लास्ट के केस में केवल वी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस वाले केस में यू हमेशा पॉजिटिव, कॉन्वेक्स में यू पॉजिटिव, एफ नेगेटिव और वी भी नेगेटिव, ठीक है ना, याद रखिएगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये हमने मिरर फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन पढ़ा, ओके। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद आएगा इसके क्वेश्चंस, ठीक है। ये मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये मिरर फॉर्मूला दिया गया है, यूजिंग सिंपल ट्रिग्नोमेट्री वन कैन फाइंड द फॉर्मूला दैट रिलेट द पोजीशन ऑफ ओ, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रेडियस ऑफ द मिरर। यहाँ पे आप आर लिखो या टू अपॉन आर कितना होता है, एफ। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि आर इज इक्वल टू टू एफ, हम लोगों ने पढ़ा था ये चीज, ठीक है। तो वन अपॉन, देखो हाँ, वन अपॉन ओ प्लस वन अपॉन आई इज इक्वल टू टू अपॉन एफ, समझ में आ गई ये सारी चीजें, ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें, ओके। अब देखो ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, वन अपॉन ओ प्लस वन अपॉन आई इज टू अपॉन आर, और टू अपॉन आर को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन एफ भी लिख सकते हैं, टू अपॉन आर को वन अपॉन एफ भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आर इज इक्वल टू कितना होता है, आर इज इक्वल टू होता है टू एफ, तो यहाँ से एफ कितना हो जाएगा, ये यहाँ से वन अपॉन एफ कितना हो जाएगा, वन अपॉन एफ हो जाएगा टू अपॉन आर, ठीक है। तो ये होता है बेसिक फॉर्मूला, वन अपॉन ओ प्लस वन अपॉन आई इज टू अपॉन आर। और हमको ये देखना पड़ेगा, साइन देखने पड़ेंगे कि कहाँ ओ तो हमेशा ही पॉजिटिव है, ठीक है, कौन सा लेंस लिया है, कौन सा मिरर लिया जा रहा है, अगर कॉनकेव लिया जा रहा है तो एफ पॉजिटिव है और कॉन्वेक्स लिया जा रहा है तो एफ नेगेटिव है, ठीक है। और हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इमेज कहाँ बन रहा है, वो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। अगेन बी अवेयर दैट योर बुक यूज, अच्छा अब यू बुक में ऑब्जेक्ट को पी और इमेज को आई भी लिया जाता है, और कहीं कहीं पे ऑब्जेक्ट को यू और इमेज को वी भी, इमेज की लेंथ को वी भी लिखते हैं। तो ये सेम फॉर्मूला जो होता है वो ऐसे हो जाता है, वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, ओके, समझ में आया। अच्छा अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है जो इमेज बनती है, जो इमेज की लेंथ होती है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर
आई अपॉन ओ, ये होता है मिरर अपॉन, ये भी होता है मिरर का फॉर्मूला, ठीक है, आई बाय ओ, समझ में आया ये चीज, मिरर कह रही हूँ, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, समझ में आई ये चीज, ठीक। अच्छा इसके बाद ये मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज एच आई अपॉन एच ओ, द मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट इज एंड इमेज डिस्टेंस, सो एम इज इक्वल टू माइनस एच आई अपॉन एच ओ, दैट इज माइनस बी अपॉन यू, ओके, किसी को दिक्कत इसमें, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो आएगा ये है एग्जाम्पल, देखो एक क्वेश्चन लिया है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूजिंग द रियर व्यू ऑन एन ऑटो मोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 3। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लिखते हैं आर, सो आर इज इक्वल टू होता है 2f, ठीक है, तो अगर ये 3 है तो f कितना हो जाएगा, f हो जाएगा r by 2 यानी 1.5, ठीक। If a bus is located at 5 meter from the mirror, find the position, nature and size of image। अच्छा देखो पहली चीज के ये देखो लेंस कौन सा है, लेंस है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस है, तो साइज तो देखो इसका नेचर कैसा होगा कि वर्चुअल ही होगा, ठीक है ना, इमेज वर्चुअल ही बनेगी, पोजीशन हमें देखना है कहाँ पे बनेगा ये, तो इसमें कॉन्वेक्स में एफ क्या होता है, एफ होता है नेगेटिव, यू क्या होता है, यू होता है पॉजिटिव, और वी क्या होता है, वी होता है नेगेटिव, ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, 1 upon u + 1 upon v = 1 upon f, ठीक है, राइट, तो 1 upon u यानी बस की लोकेशन कहाँ पे है, 5 meter पे, तो 1 upon 5 + 1 upon v = अब फोकस माइनस में है तो हम लिख रहे हैं माइनस 1.5, या अगर हम r को 3 लिखते तो f कितना होता, 3/2, है ना, तो जब 1 upon f लिखेंगे तो 1 upon f कितना होगा, 2/3, ठीक है ना, 1 upon f कितना होगा, 2/3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2/3, तो अब देखो 1 upon v = -2/3 और ये प्लस होता है हो जाएगा -1/5, तो इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा 15 और ये -10 और -3, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक, ये 3 जो है वो 5 टाइम्स आएगा और 5 × 2 = 10 और 5 जो है 3 टाइम्स आएगा तो 3 × 1 = 3, तो ये कितना हो गया -13/15, तो v की लेंथ तो हमको वैसे ही पता है कि वो नेगेटिव ही आनी थी, है ना, तो अगर हम इसको रिवर्स कर लें तो v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा -15/13, इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो -15/13 meter पे बनेगी जाके, ठीक है, अब देखते हैं जरा हम के इन्होंने, अच्छा आंसर नहीं दिया हुआ है मैंने इसमें, ठीक है, तो आप इसको एक बार चेक कर लेना इसको क्वेश्चन को, ये एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, तो आंसर चेक करोगे आप तो उसमें दिया हुआ है, या एक सेकंड देखिए इसमें जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें जो बस वाला दिया गया है आंसर है, हाँ जो से मैंने आपको बताया, ठीक है, यानी -15/13, वी नेगेटिव ही आएगा, हम लोगों को पता है, ठीक है ना, तो बैक इन द मिरर बनेगी,
वर्चुअल इरेक्टेड और स्मॉलर इन साइज बनेगी, क्योंकि साइज पहले कितना था, 3 बस तो 5 मीटर कितना साइज दिखा रहे थे, लोकेटेड एट 5 मीटर है ना, तो अब अंदर बनेगा 3 मीटर है, बैक साइड पे मिरर पे बनेगा और छोटा दिखाई देगा। ठीक, अब बाकी के ये 3 क्वेश्चंस और मैंने लिखे हुए हैं, इसमें आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करना, ट्राई करने के बाद इनके आंसर्स देना और बताना मेरे को कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं आपको इसके क्वेश्चंस की हिंट दे देती हूँ। ठीक, जैसे अभी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड वाला, द ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अभी वो कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है, कहाँ पे, 25 सेंटीमीटर पे, तो U कितना हो गया, यहाँ पे U हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर फोकल लेंथ कितनी है, 15 है। अब देखो, अगर फोकल लेंथ 15 है तो कर्वेचर की डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये है फोकल लेंथ और यहाँ पे होता है कर्वेचर। ठीक है ना, फोकल लेंथ डबल होती है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनता है, तो अगर ये फोकल लेंथ 15 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f होता है ना। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, u क्या है, 25, मतलब ऑब्जेक्ट है c से अंदर, यहाँ कहीं पे होगा ऑब्जेक्ट आपका। ठीक है, अब ये अंदर आ गया तो इमेज कहाँ बनेगी, जैसे ही ऑब्जेक्ट सी से अंदर आता है इमेज बाहर निकल जाती है ना, जैसे ही ऑब्जेक्ट अंदर आता है इमेज तुरंत बाहर निकल जाती है, अंदर मतलब कर्वेचर ऑफ, ये कर्वेचर से अंदर आएगा, कर्वेचर ऑफ मिरर से अंदर आएगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ चली जाएगी, कर्वेचर ऑफ मिरर से बाहर चली जाएगी। तो ये तो फिक्स्ड है कि जो वी है, एक तो वो पॉजिटिव आएगा और दूसरा यू से ज्यादा आएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, 1/u + 1/v = 1/f, u की वैल्यू रखो 25, f की वैल्यू रखो 15 और v निकाल लो। ठीक है ना, v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन दिया है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब r दिया हुआ है, तो f कितना हो जाएगा, f होता है r/2, यानी 30/2 कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। ये तो बहुत सिंपल था। फोर्थ देखो, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। अब देखो, यू अगर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मैग्नीफाइंग दिया हुआ है, तो वी कितना हो जाएगा, वी निकाल लो। ठीक है ना, 3 टाइम्स मैग्नीफाई हो रहा है, एम का फॉर्मूला क्या था, पैक करके देखो जरा, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, ठीक है, आई अपॉन ओ, ठीक है, ओ दिया हुआ है, देखो ये होता है बी अपॉन यू, ठीक, यू दिया हुआ है, वी निकाल लो, यू और वी आ जाएगा, फोकस आ जाएगा, कहाँ इमेज रहे मिलेगी वो भी आ जाएगा, वेयर द इमेज इज लोकेटेड, ये भी आ जाएगा आंसर। ठीक, अभी कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना, तो एक बार चेक कर लेना आंसर क्या आता है। ठीक है ना, तो अभी ये चारों क्वेश्चंस करके देखना वापस से, अगर किसी को नहीं आता है या कोई डाउट होता है तो मैं एक्सप्लेन करके दूंगी। अब कल मैं आपको वापस लेंस पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो जितना आज पढ़ाया है उतना पढ़ के रखिएगा, मिरर खत्म हो गया है, कल से लेंस शुरू किया जाएगा। ओके, टिल देन बाय बाय।